आज हम सिविल इंजीनियरिंग के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के में इलाहाबाद और मैंगलोर टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टाइल्स इलाहाबाद और मैंगलोर सिटी वहाँ बनती थी, इसलिए इनका नाम ये पड़ा है और इनकी कुछ स्पेशल। सबसे पहले इलाहाबाद टाइल के बारे में देखते हैं। इलाहाबाद टाइल रूफिंग टाइल्स होती हैं और जनरली अच्छी क्वालिटी की क्ले की बनती है, और इसको क्रश करने के लिए, कंपैक्ट करने के लिए मशीन का यूज़ किया जाता है। इस टाइल के दो हिस्से होते हैं, एक होता है फ्लैट और एक होता है हाफ राउंड पॉट शेप होता है। ये हम देख सकते हैं, एक साइड से फ्लैट है, दूसरे साइड से हाफ राउंड है, और इनको लेइंग का मेथड ये है। और फ्लैट पार्ट होता है वो एक साइड से 30 सेंटीमीटर होता है और दूसरी साइड से 25 सेंटीमीटर होता है। और इनकी बनावट इस तरीके से बनती है कि एक ये साइड बाय साइड लगाते हैं, और ये फ्लैट वाला पार्ट है ये अगले के उसके जॉइंट में आ जाता है। जैसे ये फ्लैट वाला पार्ट है ओवरलैप होता है उसमें अगले के बारे में, अगला यहाँ पे इसका सेमी सर्कुलर पॉट पोर्शन है वो इसके यहाँ आ जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं ये साइड बाई साइड लगी पड़ी है, ये एक ये सेमी सर्कुलर है पहली टाइल हो गई, इसका ये वाला ये पोर्शन यहाँ आ गया, दूसरे में भी ऐसे चलता रहता है, ये लाइन कंटिन्यू चलती रहती है। इस तरीके से पानी का सीपेज नहीं होता, लॉकिंग अच्छी हो जाती है, और कोई मैकेनिकल मैनुअल लॉक और कोई मैकेनिकल लॉकिंग नहीं होती मोस्टली इसमें, आपस के बीच में कोई बाइंडिंग मटेरियल वो नहीं आता। कई बार हम ये करते हैं कि इस पे ये हवा से उड़ नहीं जाए, इसके लिए ऊपर हम इनको कई बार बोल्टिंग करते हैं, कई मतलब जैसे 5-7 या ऑल्टरनेट टाइल है उसको बोल्टिंग करके नीचे रिवेट कर सकते हैं ताकि ये हवा से नहीं उड़े, पर नॉर्मली ये नहीं करते हैं। और क्योंकि इसमें ये बीच में थोड़ा गैप रहता है हमेशा, इसमें वेंटिलेशन अच्छा रहता है, और इनफैक्ट इतना वेंटिलेशन रहता है कि आप रात को तारे भी देख सकते हैं इसमें से। और इजी मेथड है, कोई बहुत ही एडवांस स्किल लेबर नहीं चाहिए इसमें करने बनाने में। और आज भी गांव में अर्बन साइड में शेड में बेसिकली आज भी ये यूज़ करते हैं, या कच्चा कंस्ट्रक्शन होता है उसकी रूफिंग आज भी हम ये कई जगह देखना कॉमन है। ये नॉर्मली रेड कलर में ही होती है। टाइल है वो है ये हम देख सकते हैं, ये एक शेप में होती है स्पेसिफिक, ये एक मैंगलोर में बनती है, ये एक काफ़ी सस्ती पड़ती है, ये एक ट्रायंगुलर शेप में होती है, बट ट्रायंगुलर शेप इसका एग्जैक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप नहीं होता, एक साइड का एज है वो कम लंबा होता है, दूसरे साइड ज़्यादा लंबा होता है। हैं ये टाइप ए और टाइप ए क्लास होता है स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, और 10% से कम मॉइस्चर ले तो ए क्लास है, और 24% तक मॉइस्चर रोके तो ए क्लास है। और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये इंक्लाइन स्लोप में लगाते हैं और ऊपर से नीचे होते हैं, एक दूसरे को ये कवर करते रहते हैं, उस पोर्शन को निब पोर्शन है इसको कवर करके दूसरा ओवरलैपिंग होता रहता है। थैंक यू।